नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने कहा है कि राजधानी काबुल में एक महिला पत्रकार और देश की संसद में सलाहकार की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने बताया कि संसद के निचले सदन में सांस्कृतिक सलाहकार और पूर्व टीवी प्रस्तुत मीना मंगल की शनिवार सुबह काम पर जाते समय हत्या कर दी गई। रहीमी ने कहा कि क्या संभव था, इससे ज्यादा हत्यारे हत्या करके घटनास्थल से फरार हो गए। काबुल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। काबुल पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि महिला की हत्या की गई है या फिर यह आतंकी गतिविधि है अथवा आपसी रंजिश हत्या की वजह बनी। An Afghan official has said that a female journalist in the capital Kabul, an unknown gunman of the advisor in the country's parliament, have been shot dead. Home Ministry spokesman Nasrat Rahimi said that in the lower house of parliament, cultural advisor and former TV host Meena Mangal was murdered while going to work on Saturday morning. Rahimi said that one or more murderers escaped from the scene by killing the killers. The Kabul police has started investigating the matter. Nobody has taken responsibility for the attack. The Kabul police said that it is not clear whether the woman has been murdered or it is a terror activity or a cause of mutual murder.